सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को क्या अधिकार दिया है। जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि हम मसीह में हैं तो अपने अधिकारों को जानना आपका हक बनता है। बहुत से लोग हैं जो अपने मसीह भाई और बहनों को ये बात नहीं बताते कि उन्हें क्या अधिकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। जो ऐसा करता है वह व्यक्ति स्वयं तो पाप कर रहा है, साथ ही साथ आपको भी पाप में डाल रहा है, अर्थात विश्वास में कमजोर कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है, फिलिप्पियों अध्याय 2 उसके 4 पद में लिखा है, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करें। परमेश्वर ने इस वचन में साफ साफ कहा है कि प्रचारक केवल अपना फायदा ना देखें। जो तुम्हारे पास आते हैं उन्हें सही शिक्षा दो, ताकि जो नए विश्वासी हैं वो किसी भी परिस्थितियों में ना भटकें और स्वयं से प्रार्थना करने वाले बन सकें, स्वयं संभलने वाले बने, ना कि हर समय उन्हें आपकी आवश्यकता पड़े। बहुत से प्रचारक ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि यदि हम नए विश्वासी को सब कुछ सिखाने लगे तो वो हमारे पास फिर दोबारा नहीं आएंगे। तो आप कहीं ना कहीं अंधकार में जी रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती अध्याय 15 उसके 14 पद में लिखा है, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। तो विश्वासी मसीह भाई बहन को यह बात समझना अति आवश्यक है कि आपका मार्गदर्शक कैसा है, सब कुछ सही सही सिखा रहा है कि नहीं। नहीं तो हमें अपना मार्गदर्शक बदलने की आवश्यकता है, और हमारा असली मार्गदर्शक पवित्र आत्मा, जो हमारा सहायक और मसीह के जाने के बाद से हमारे साथ है और परमेश्वर का वचन है। यदि हम वचन पर ध्यान देंगे और हम भटक भी जाएं तो भी संभल जाएंगे। हम एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 16 उसका 19 पद, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारा अधिकार दिया है, तो हम अंधे मार्गदर्शक पर भरोसा करके क्यों परमेश्वर की सामर्थ का अपमान कर रहे हैं? सब कुछ आपकी प्रार्थना के द्वारा संभव हो सकता है। अपनी परेशानियों के लिए वचन पर आधारित प्रार्थना स्वयं करो, चंगाई शोर मचा कर मिलेगी। तो हमारे लिए यही भला होगा कि हम अपने अधिकारों को जानें और उसको अपने व्यक्तिगत और दूसरों के जीवन में लागू करें। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।